वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समरी ऑफ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब तक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा हमने कि या तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले कौन से, एंटी डेरिवेटिव वाले, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन के रिवर्स, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास की रूल्स, ठीक है, रूल्स 1 to 23 इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, पावर रूल होता है हमारे पास, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है पावर रूल में, पावर 1 जोड़ 2 और डिवाइड बाय टोटल पावर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो एक्स होता हमारे पास, एक्स है वो क्या हो, लीनियर। जैसे अब तक हमने इंटीग्रेशन जैसे फाइंड आउट किया है, जैसे एक्स की पावर 5 हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 हो या फिर इसका स्क्वेयर रूट, जैसे एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन हो 1/something हो, ठीक है, यहाँ पर पावर एन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था कि एक्स होता जो लीनियर हो, लीनियर का मतलब पावर 1 हो, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास है जैसे एक्स स्क्वेयर हो और इसकी पावर 1/3 हो इस तरीके से, ठीक है, हमारे पास, और साथ में कुछ फंक्शन हो। अब इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वेयर की पावर 1/3 है, अब एक्स स्क्वेयर तो लीनियर होता नहीं, यहां पर तो पावर रूल अप्लाई कर नहीं सकते हम, ठीक है, पावर रूल अप्लाई नहीं होगा यहां पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वेयर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है इसलिए, ठीक है। तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए कैसे सोल्व होगा, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होगा यहां पर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास रूल था, रूल नंबर 1 क्या था हमारे पास, कि एक्सप्रेशन बनाएंगे जहां तक पॉसिबल हो। जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहां पर क्या है, फंक्शन क्या हमारे पास, x, x तो लीनियर है लेकिन 1/x है, 1/x का मतलब x की पावर -1, ठीक है, वो लीनियर नहीं होता, मतलब x की पावर +1 हो तो लीनियर होगा, -1 कभी भी लीनियर नहीं कह सकते हम, ठीक है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो क्या था हमारे पास रूल, की एक्सप्रेशन बनाएंगे किस तरीके से, हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² + b का स्क्वायर और फिर +2ab x × 1/x, ठीक है, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि रूल हमारे पास कि एक्सप्रेशन बनाएंगे, या फिर क्या था हमारे पास कि रूल नंबर 11 क्या था हमारे पास, रूल नंबर 11 कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमें यहां पर किसी को, किसी फंक्शन को t के इक्वल पुट करेंगे और जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास की इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n हो, ठीक है, n x इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन, या फिर क्या हमारे पास साइन की जगह कोस हो, ठीक है, इस तरीके से, और एन क्या हमारे पास यहां पर पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर मतलब जैसे रियल नंबर लाइन हमारे पास इस तरीके से, यहां पर 0 है, यहां पर -1 -2 अप टू -∞ तक, ठीक है, और इस राइट हैंड साइड है 1 2 और यहाँ पर अप टू +∞ तक, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर कौन कौन से होते हैं,
नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यहां से वन से लेके, ठीक है, जीरो अलग इंटीजर है और पॉजिटिव अलग चीज है। और फिर ओड, ओड का मतलब क्या होगा, कहां से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव ओड इंटीजर, वन थ्री फाइव सेवन इस तरीके से, ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। मतलब पावर हमारे पास साइन या कोस की पावर क्या हो, ओड इंटीजर हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास रूल क्या था कि साइन की पावर एन एक्स हो तो पुट करेंगे किसको, साइन वाले में कोस एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे और कोस वाले में साइन एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन की पावर सेवन एक्स हो इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा यहां पर, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले जो साइन की पावर सेवन एक्स है इसको क्या लिख सकते हम, साइन की पावर सिक्स और साइन एक्स इस तरीके से। मतलब कि जो मेन पॉइंट है यहां पर कि जो ओड पावर हो उसको हमेशा ही अलग अलग ब्रेकअप करेंगे, ठीक है। मतलब कि इवन पावर प्लस वन ओड, ठीक है, जैसे यहां पर वन इस तरीके से। क्यों, क्योंकि जब हम पुट करेंगे कोस एक्स को टी के इक्वल, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और टी का डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड वाला है यहां पर इस तरीके से, ताकि ये जो टर्म हो वो किसके इक्वल हो जाए, डी टी के, इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था कि जो साइन की पावर सिक्स एक्स है इसको क्या लिख सकते हम, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर थ्री इस तरीके से, ठीक है। और जैसे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस को स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, वन के, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस को स्क्वेयर एक्स का क्यूब और साथ में क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स इस तरीके से। फिर किसको पुट करेंगे, कोस एक्स को टी के इक्वल इस तरीके से, ठीक है। और फिर डी टी, तो हम इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है यहां पर, वन माइनस कोस एक्स को हमने टी पुट किया तो इसका स्क्वेयर है और पावर क्या है, थ्री, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी, माइनस साइन बार और डी टी इस तरीके से। अब क्या है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक की पावर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की पावर मतलब लीनियर की पावर नहीं है, तो यहां पर पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास है? कि जब भी लीनियर से अलग हो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे या फिर एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्या हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे और देन वी कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या हो, पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, ठीक है। अब मान लीजिए एन क्या हो हमारे पास, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर हो, ठीक है। तो उसका तो इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन की पावर फोर एक्स का इस तरीके से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स को कोस की टर्म में, ठीक है। जैसे हमारे पास रूल नंबर एट क्या था कि साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन वी कैन इंटीग्रेट इट। मतलब पावर जब भी ओड हो तभी इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमारे पास है जैसे साइन की पावर पी, ठीक है, साइन की पावर क्या हमारे पास पी और कोस की पावर हो हमारे पास क्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था, इसके लिए हमारे पास यहां पर पांच केस थे, ठीक है। केस नंबर वन, केस वन क्या था हमारे पास कि पी क्या हमारे पास है पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, पी हो पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो क्या करते थे, पुट करते थे किसको, पी को टू एन प्लस वन, ठीक है। और जब पी के किस
का इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब किसकी पावर है, पी साइन एक्स की, तो साइन एक्स वाले में कोस एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर किसको पुट करेंगे, कोस एक्स को टी के इक्वल। अब पी इक्वल टू 2n+1 है, इस बात का मतलब पावर को ब्रेक करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर क्या है यहाँ पर 5, तो इसको 4 और कोस 4x एज इट इज और साइन एक्स 2n+1 का ये मतलब है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था कि साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पुट करेंगे कोस एक्स को टी के इक्वल। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास कि क्या वो हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब कोस का इंडेक्स पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, ठीक है। तब पुट करेंगे किसको, क्यू को पुट, या फिर लेट करेंगे क्यू को 2n+1, ठीक है। जैसे यहां पर साइन की पावर ब्रेक कब करी थी, इस केस में कि यहां पर कोस की पावर होगी, ठीक है। और कोस वाले में किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को टी के इक्वल। आगे हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन की क्या टाइप है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मल्टीप्लाई साइन और कोस की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास टेंजेंट और कोट की हो, ठीक है। जैसे टेंजेंट की और कोट की हो हमारे पास मल्टीप्लाई इस तरीके से हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट हो कोट हो सीकेंट हो या फिर कोसीकेंट, सभी को हम साइन और कोस की टर्म में चेंज करेंगे। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम, साइन की पावर पी एक्स और डिवाइड बाई कोस की पावर पी एक्स। और कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, मतलब कोस की पावर क्यू एक्स और डिवाइड में क्या होगा, साइन की पावर क्यू एक्स, इस तरीके से फिर ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पर हमारे पास केस नंबर 3 कि पी और क्यू बोथ आर पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, कि दोनों में दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर हो पी और क्यू, ठीक है। तो यहां पर पुट करेंगे किसको, या तो हम साइन एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे या फिर कोस एक्स को टी के इक्वल पुट करेंगे, मतलब हम यहां पर केस नंबर 1 भी अप्लाई कर सकते हैं और केस नंबर 2 भी, ठीक है, दोनों ही ठीक है। इसके बाद हमारे पास केस 4, हमारे पास है पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का मतलब 2, 4, 6 इस टाइप से पावर हो, ठीक है। जैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास है कोस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन की पावर 4x dx, ठीक है। तो यहां पर रूल क्या हमारे पास कि चेंज टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, मल्टीपल एंगल्स किस प्रकार से, जैसे हमारे पास रूल नंबर 9 क्या था कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मल्टीप्लाई हो साइन और कोस की, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो रूल, ठीक है। तो जैसे अब क्या लिख सकते हैं हम इसी को, यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे यहां पर स्क्वेयर है तो मतलब साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, और साथ में क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या था कि साइन एक्स कोस एक्स की मल्टीप्लाई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास क्या हो यहां पर 2, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन जब यहां पर 2 मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड किससे होगा, 2 का स्क्वेयर, क्या है यहाँ पर स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है। और फिर सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन वी कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है। लास्ट केस है यहां पर हमारे पास कि पी प्लस क्यू, ठीक है, मतलब जो पावर हो उनका सम क्या हो हमारे पास, नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर रूल है हमारे पास कि
एक्सप्रेस करेंगे कंप्लीट इंटीग्रल को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स, ठीक है, या फिर क्या हो हमारे पास कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स, मतलब टेंजेंट एक्स का सीकेंट एक्स का रिलेशन होता है, कोट एक्स का कोसिकेंट एक्स का। तो सबसे पहले इनको इसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर पुट करेंगे, किसको करेंगे यहां पर, किस टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो पुट करेंगे यहां पर टेंजेंट एक्स को टी, और इस केस में पुट करेंगे कोट एक्स को टी के इक्वल, इस तरीके से, ठीक है, जो यहां पर पी प्लस क्यू है नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है, यहां पर कंडीशन हमारे पास की पी क्यू आर नॉट नेसेसरी इंटीजर्स, ठीक है, मतलब कि पी और क्यू जरूरी नहीं है कि हमारे पास इंटीजर हो, यहां पर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ठीक है। और यहां पर लास्ट टाइप हमारे पास, जैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है सीकेंट की पावर एन हो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, या फिर क्या हो हमारे पास कोसिकेंट की पावर एन हो, इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर एन क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर। तो सीकेंट वाले में रूल क्या हमारे पास कि जब सीकेंट की पावर एन हो तो पुट करेंगे किसको, टेंजेंट एक्स को टी के इक्वल, और कोसिकेंट वाले में पुट करेंगे कोट एक्स को टी के इक्वल, ठीक है। अब जैसे टेंजेंट एक्स को क्यों पुट किया टी के इक्वल, जैसे इंटीग्रेशन में जो मेन पॉइंट है वो है हमारे पास कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, मतलब टेंजेंट एक्स का और सीकेंट स्क्वायर एक्स का रिलेशन है इसलिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास है सीकेंट की पावर 6, इस तरीके से, ठीक है, तो एन क्या हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे हम इसमें पुट करेंगे टेंजेंट एक्स को टी के इक्वल, लेकिन टेंजेंट एक्स हो तो हमारे पास किस तरीके से, जैसे सीकेंट की पावर 6x है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, सीकेंट की पावर 4x और सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, ठीक है, और फिर सीकेंट की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और हमारे पास आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होगी, यहां से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और साथ में हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरीके से, तो पुट करेंगे किसको, टेंजेंट एक्स को टी के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और टी का क्या होगा, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड वाला है यहां पर, तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, यहां पर 1 प्लस टेंजेंट एक्स को टी पुट किया तो क्या होगा, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के, ठीक है। और अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अंदर क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक की पावर है, तो पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने सीकेंट की पावर 4x की थी, ठीक है, अब पुट उसको करते हैं टेंजेंट एक्स, जैसे पुट टी को करते हैं, ताकि जो हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हो वो डी टी में कन्वर्ट हो जाए मैक्सिमम चांस, ठीक है, इसलिए यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स साथ में था हमारे पास, ठीक है। अब कोसिकेंट की पावर एन एक्स हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमारे पास, कि क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के, और फिर कोसिकेंट को किस में चेंज करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को, ठीक है, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।